हम वृंदावन में प्रवेश करी। राधे राधे। आज फाइनली हमें रूम मिल गया है और सभी तैयार हो चुके हैं और चलते हैं हम वृंदावन के मंदिर के दर्शन करने के लिए। आपको एक एक मंदिर के दर्शन करवाएंगे आज। और दीदी भी तैयार हो चुके हैं, नन्या भी तैयार है, पनम भी तैयार है। पनम लुक एट, हम आगे दीदी के रूम में। दीदी भी तैयार, जीजू तैयार, नन्या तो हर जगह अवेलेबल ही रहती है। ये भी सबसे पहले हम पहुंच गए हैं वैष्णो माता जी के मंदिर में। और अंदर पानी आएगा। हाँ पहुँच गए पागल बाबा मंदिर। और काफ़ी मशहूर है यहाँ पे इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। दिखाते हैं आपको अंदर से। ये है माता सिद्धेवी कुंड और दिखाते हैं आपको, कुंड के दर्शन करवाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये देखिए लोगों ने दीवारों पर अपनी इच्छाएं लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए आखिर लोगों की इच्छाएं पूरी होती होंगी तभी वो लिख कर जाते हैं।
यार यहाँ की चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ज़्यादा है, पता नहीं चलता। से हमें ये बुक मिली है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, यूँ कह लीजिए ये हमारे लिए प्रसाद है। मेरे? क्यों सर? नानी राधे राधे लिखाया, दिखाओ कहाँ राधे राधे, पेज से रहा आधा आ रहा राधे 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 एवरीवन। आज हम जा रहे बांके बिहारी मंदिर, वहाँ पे आपको दिखाएंगे सबसे प्राचीन मंदिर है, वहाँ के दर्शन किए बिना आपकी यात्रा पूर्ण नहीं। आप हो गए तैयार? खाना पीना नहीं खत्म होने वाला। ये देखो टीवी छोड़ दिया जाए निशु, ये अभी तक टीवी देख रहा है, टीवी है इसका, इधर जा रहे तैयार है। मौसम काफी अच्छा है, निकल चुके हैं बांके बिहारी मंदिर के लिए, झटके लग रहे हैं अगे जगह बंदा पैदा होने झटके काफी ज्यादा जाम लग गया, इसीलिए हमें वापस भी जाना पड़ा और रास्ता चेंज करके बाहर ज्यादा हो गया ई रिक्शा में। ओ भैया तो कमर इसके बाद हम पहुंच गए प्रेम मंदिर। Thank you.
मंदिर काफ़ी सुंदर बना हुआ है। हमें यहाँ पर रात को जाने का टाइम तो नहीं मिला, हम सुबह गए। और आपको अगर रात का नज़ारा देखना है तो आपको शाम को वहाँ पर जाना चाहिए। वहाँ प्रेम मंदिर में हम दोपहर के टाइम पर गए जब प्रेम मंदिर बंद होने वाला था, तो आप ये सीटियों की आवाज़ें सुन सकते हैं। उस वक्त सबको बाहर निकाला जा रहा था, हमने जब बस दर्शन किया और बाहर की तरफ हम चल पड़े। और आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, वहाँ पर जो बाग बना हुआ है और बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पर दृश्य दिखाए गए हैं, वो आपको डे टाइम के दृश्य हम दिखाते हैं। आपने हमेशा रात के दृश्यों को ही देखा होगा, तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको सारा। ये हम आपको प्रेम मंदिर झलकिया दिखा रहे हम जा रहे हैं राधा रानी जी के मंदिर बरसाना के धाम। आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी जब हम वहाँ पर पहुँचे। तो दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं आपको राधा। बरसाने वाली राधे, हाँ वर्षा काफी स्टार्ट हो चुकी है। आपको दिखाती हूँ मैं, बादल यहाँ पे भी इतना ही है पर मजा बहुत आ रहा है कि मैं यहाँ पे अगर हम आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे कीर्ति मंदिर राधा रानी जी। दीदी बोले राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे।
जाता है भगवान से। रात के बज चुके हैं 11 और हम 11 किलोमीटर की परिक्रमा करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अंधेरा बहुत है। आइए भजन भी बड़े अच्छे से लगे हुए। वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये परिक्रमा का फर्स्ट स्टॉपेज जहाँ पे यमुना मैया जी के दर्शन करने के लिए हम आए। यहाँ क्लियर नहीं आ रहा थोड़ा सा, आगे आगे आ गया, क्लियर आ गया जी। ये अब थोड़ा सा क्लियर आना शुरू हो गया। चलो आप आगे आओ। यानी जो टॉर्च मार देखिए से कितने तक ये हमारा छुटकू भी, ये देखो हमारा छोटू भी बजा रहा था। मेरी परिक्रमा कर रहे हैं देखो। काफी लोग इस टाइम पर परिक्रमा करने के लिए जाते हैं और हमें भी फिर डिसाइड। राधे 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 राधे। परिक्रमा हमारी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हुई हमारी 1 घंटा 19 मिनट में ये वाली परिक्रमा हमारी पूरी हुई उन्होंने, और ऑटो पे 1 घंटा 19 मिनट में ये परिक्रमा कंप्लीट हुई। और अगर आप चाहें तो ऑटो से जा सकते हैं। 100 रुपीज पर पर्सन लिया उन्होंने हमारे से और पूरी उन्होंने परिक्रमा करा दी 11 किलोमीटर। और जहाँ से हमें लेकर गए थे वहीं पर उन्होंने छोड़ा, क्योंकि रात को मंदिर नहीं खुले होते इसलिए हम रास्ते में प्रे नहीं कर पाए, माथा नहीं देख पाए। लेकिन काफ़ी लोग रात को ही परिक्रमा करते हैं। राधे राधे गाइस, आज हम जा रहे हैं निधिवन। सुबह के 7:30 बज चुके हैं, सभी तैयार हो चुके हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। राधे राधे। नपन बैठने दे भैया को, ये गलत काम हो गया। ये हमारा छोटा बच्चा भैया को बैठने नहीं दे रहा। भैया बेचारे यहाँ खड़े होके जा रहे हैं। देखो ये देखो, ये सुबह का मौसम बहुत ही सुहावना लग रहा है यहाँ पे। पर यहाँ पे तो देखो यहाँ पे ही ज्यादा है, यहाँ पे जय बोलने से गलानी दुख का मुक्त मुक्त होता है। एक साथ जय बोलेंगे सब साथ देंगे। जगह का नाम है निधिवन, इसको बोलते हैं निधिवन। यहाँ राधा कृष्ण राज क्रिया करते हैं। यहाँ राधा कृष्ण आज भी रात को राज क्रिया करेंगे। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो लोग छिपके रह जाते हैं, मर जाते हैं, लूले जाते हैं, लंगड़े जाते हैं, जो लोग मर जाते हैं इसके अंदर ही उनका समाधि बना दिया। आज भी भगवान का बंसी का तबले का आवाज सुनाई देता है इसके अंदर। जितना भी पेड़ देखते हैं ना सभी रात को गोपी बन जाते हैं।
ये जगह का नाम है निधिवन। अभी अंदर में दर्शन करने जाएंगे, बहुत भीड़ है और भीड़ में क्या हर तरह का आदमी घुस जाता है, अपना रुपया आप पैसा मेरा कोई जिम्मेदारी। बोलो राधा रानी की ताली बजाओ उसके जाओ। अरे राधा बोल के एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। सब समाधि निधिवन में दर्शन करने के बाद हम आगे श्री राधा वल्लभ मंदिर में हम आपको दर्शन करवाते हैं। वहाँ की आरती हो रही थी और हमने वहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन किए। दिखाते हैं आपको अंदर का दृश्य। श्री राधा रानी जी की कृपा से हमारी ये वृंदावन यात्रा यहीं संपूर्ण होती है और अगर हमें अगले साल फिर आने का मौका मिला तो जरूर आएंगे। अगर आपको मेरा वृंदावन का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। राधे राधे। पिज्जा भी है, खाना क्या पहले बता।